हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी डॉज। ट्रिकी डॉज, योर एजुकेशन ऑर्ड्स। हेलो गाइस, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो हमने चैप्टर डिस्कस किया, चैप्टर टू प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, उस पर बेस्ट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि पिछले कुछ सालों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। या ऑप्शन से हम देखते हैं कि जो जब हमने पास्कल लॉ स्टडी किया था तो पास्कल लॉ का स्टेटमेंट क्या था, द प्रेशर एट ए पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूड, दैट मींस द फ्लूड रेस्ट कंडीशन में हो, इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जब हमने डेरिवेशन किया था तो हम देखा था कि जो कोई पॉइंट है तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, ये क्या होगा अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ सेम। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मैं और ऑप्शन की बात करूँ तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो है जो हमारे जो बर्नौली इक्वेशन है जिसको हम आगे देखेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स में, तो बर्नौली इक्वेशन है वो इन पर बेस्ड है। ठीक है, इनके बारे में अपन आगे देखेंगे और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अपन पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा अपना, पास्कल लॉ। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गेज प्रेशर द एटमोसफियर प्रेशर ऑन द स्केल इज मार्क्ड एज। ठीक है, तो हम जानते हैं कि गेज प्रेशर इज द प्रेशर अबव द एटमोसफियर प्रेशर, दैट मींस कि इसमें एटमोसफियर प्रेशर को हम क्या करते हैं, डेटम कंसिडर करते हैं। ठीक है, जब हम गेज प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा ज़ीरो, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन एटमोस्फेरिक प्रेशर PATM, गेज प्रेशर P गेज एंड एब्सोल्यूट प्रेशर P एब्सोल्यूट इज गिवन बाय। ठीक है, तो जब हमने प्रेशर के बीच रिलेशन देखा था तो उसमें हम देखा था कि जो गेज प्रेशर है उस केस में हम अपन एटमोसफियर प्रेशर को डेटम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल रहा था, ये का क्या हो गया, गेज एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो गेज प्रेशर है पॉइंट एक के लिए, तो गेज प्रेशर क्या होगा, यहाँ से हम देख रहे हैं कि पी गेज, तो आपको क्या एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमोसफियर प्रेशर, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, गेज प्रेशर। तो अपने पास जो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए होगा वो आपको क्या होगा, राइट आंसर होगा, कि यहाँ पर जो एटमोसफियर प्रेशर क्या होगा अपना, पी एब्सोल्यूट माइनस पी गेज, यहाँ से पी एब्सोल्यूट माइनस पी गेज माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी एटमोसफियर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से अपन कई रिलेशन निकल सकते हैं और इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये डायग्राम माइंड में रखना है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ सर्टेन पॉइंट द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमोसफियर प्रेशर इज गिवन बाई 850 mm ऑफ Hg मरकरी एंड 700 mm ऑफ Hg रेस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गेज प्रेशर mm ऑफ Hg एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो हमने जब प्रेशर, अभी सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, तो हमने देखा था कि जब रिलेशन देखा प्रेशर के बीच में, तो रिलेशन क्या था कि गेज प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, गेज प्रेशर होगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमोसफेरिक प्रेशर। ठीक है, क्योंकि इसमें जब गेज प्रेशर लेते हैं तो अपना एटमोसफेयर प्रेशर क्या होगा, डेटम। ठीक है, तो गेज प्रेशर क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमोसफेरिक प्रेशर, पहले से लिख सकते हैं अपन, पी गेज इक्वल टू क्या होगा, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमोसफेरिक। ठीक है, तो पी एब्सोल्यूट की वैल्यू अपने पास कितनी गिवन है, 850। ठीक है, और पी एटमोसफेरिक की वैल्यू कितनी है, 700। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 150 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपको क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मैनोमीटर के ऐसे डिवाइस है उसको हम यूज़ करते हैं प्रेशर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो मैनोमीटर बेसिकली टू टाइप्स का होता है, सिंपल मैनोमीटर जिसमें हम क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो दूसरा होता है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसमें हम क्या करते हैं, जो दो पॉइंट के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है उसको अपन मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोस्टेटिक लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन ए वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू। ठीक है, तो जब हमने हाइड्रोस्टेटिक लॉ स्टडी किया था तो उसका स्टेटमेंट क्या था, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, और उसका जो हमने प्रूफ भी किया था
कि जो अपना जो रेट ऑफ चेंज जो प्रेशर है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में, ठीक है, वो किसके इक्वल था, रो जी, जो कि आपका क्या है, स्पेसिफिक वेट, ठीक है। यहाँ से अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको इस ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन देख के आपको टिक करना होता है, क्लियर। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी एट द डेप्थ ऑफ 50 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस, टैक स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 9.81 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास वाटर सरफेस है और यहाँ से जो पर्टिकुलर वो डेप्थ है 50 मीटर, तो इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोस्टेटिक लॉ द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पी बिलो द फ्री वाटर सरफेस इज गिवन बाई रो जी एच, ठीक है। तो हम जानते हैं रो जी इक्वल टू क्या होता है अपने पास, स्पेसिफिक वेट, ठीक है, और एच के आपका जो ये हेड है, ठीक है, कोई हेड यहाँ पर हेड की कितनी है 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से अपने पास स्पेसिफिक वेट की वैल्यू कितनी है 9.81 और एच की वैल्यू कितनी है अपने पास 50 मीटर। तो यहाँ से प्रेशर इंटेंसिटी क्या जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे, वो आपकी हो जाएगी 490.50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2018 में ही पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द 1 किलो पास्कल, ठीक है। तो हम जानते हैं जब हमने यूनिट्स ऑफ द प्रेशर स्टडी किया था तब देखा था कि 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है अपना 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 किलो पास्कल इक्वल टू क्या होगा, हम जानते हैं किलो का क्या होगा, 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी जेई 2017 में पूछा गया है, तो आपको यूनिट्स क्लियर होने चाहिए, किलो पास्कल को न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करना, बार में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यूनिट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, ठीक है। तो बैरोमीटर भी एक ऐसा डिवाइस जिसके हेल्प से हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, एटमोस्फेयर प्रेशर को हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो मैनोमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, सब ये प्रेशर मेजर करने की ही डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पिजोमीटर ट्यूब, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पिजोमीटर ट्यूब की हेल्प से अपन कौन सा प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो हम जानते हैं जब हमने स्टडी किया था पिजोमीटर के बारे में, तब हमने पिजोमीटर्स के लिमिटेशंस के बारे में स्टडी किया था, तो हमने देखा था कि उसका सेकेंड लिमिटेशन था वो क्या था, इट कैन मेजर पॉजिटिव प्रेशर ओनली। दैट मीन्स कि जब अपना जो प्रेशर होता है पॉइंट पर प्रेशर जब एटमोसफेयर प्रेशर से ग्रेटर देन होगा तब अपन प्रेशर मेजर कर सकते थे, और वहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी क्या थी, रो जी एच। बट अगर जो पॉइंट ए पे जो प्रेशर था वो लेस देन अगर एटमोसफेयर प्रेशर होगा, दैट मीन्स हम जानते हैं कि जो एटमोसफेयर प्रेशर जो लेस प्रेशर होता है वो अपना कौन सा प्रेशर होता है, वैक्यूम प्रेशर, सक्शन प्रेशर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अपने पास ये जो ये कॉलम है ये क्रिएट ही नहीं होता है और यहाँ पर एक सक्शन क्रिएट होने लगता है, ठीक है, और उस प्रेशर को अपन मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो अगर एटमोसफेयर प्रेशर से ज़्यादा होगा तो हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिजोमीटर, ठीक है। और हम जानते हैं कि एटमोसफेयर प्रेशर से अबव प्रेशर कौन सा होता है, गेज प्रेशर, ठीक है। तो इसकी हेल्प से अपन केवल गेज प्रेशर यानी पॉजिटिव प्रेशर को ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने इस आज के लेक्चर में देखे टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में कुछ पूछे गए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।